हेलो लेडीज जिन जेंट मैं यू व स्पेशल वर्ड्स दैट्स रिलेटेड टू द इंग्लिश लैंग्वेज सो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कुछ अलग अलग तरीके के इंग्लिश वर्ड्स जो कि इंग्लिश से रिलेटेड हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जाना राइट right? अगर आप बेसिक बिगनर हैं तो आप जरूर उसके बारे में जानिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा आपकी स्पीकिंग में राइट right? जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई है वर्ड दैट्स कॉल एग्जैक्टली मोन लिंग वर्ड मोनोलिंग का क्या मतलब होता है मोनो को मतलब होता है एक lingual को मतलब टंग या लैंग्वेज आप समझ सकते हैं इट दैट अ पर्सन हु स्पीक्स वन लैंग्वेज इज कॉल्ड मोनोलिंग अगर आप एक लैंग्वेज बोलते हैं तो आप मोनोलिंग इंग्लिश में कहे जाएंगे राइट right? लेकिन एक और आता है जिसको कहते हैं बायलिंगल एंड वट इज द बायोलिंग एग्जैक्टली अगर कोई व्यक्ति दो लैंग्वेज बोलता है इट मींस दैट इफ स्पीक्स टू लैंग्वेज दैट्स कॉल्ड बायोलिंग कोई दो लैंग्वेज बोलता है तो उसको क्या कहेंगे बायोलिंग बोलते हैं राइट नेक्स्ट देर इज अ वोट ट्राइ लेंग्वल वॉट इज द मीन ऑफ ट्राई लेंगुल एक्जैक्टली राइट ट्राई लैंगल का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति तीन लैंग्वेज का ज्ञाता हो यानी तीन लैंग्वेज को जानता है अच्छे खास से बोलता हो तो उसको कहेंगे ट्राई लैंग इट मीनज दैट अ पसन हू स्पीक्स फ्री लैंग्वेज दैट कॉल्ड क्लियर नाव ऑफ फॉर यू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन इज दैट अगर कोई व्यक्ति तीन फोर लैंग्वेज बोलता है उसको कहेंगे ट्रेटर लैंग्वल या फिर बोलते हैं क्वाडरी लैंग्वल राइट इफ इट मीज दैट इफ अ पर्सन स्पीक्स four languages and knows four languages, it means that he is called trilingual sorry uh, tetralingual or quadrilingual right this is let me tell you the next one if a person speaks many languages aur koi vyakti bahut sare languages ko janta hai then unlimited kaha nahi ja sakta to usko hum kya kahenge unlimited to hota hi nahi right तो उसको हम क्या कहें? उसको कहेंगे? उसको कहेंगे polyglot so a person who speaks many languages that's called polyglot right or not It's like that Now let me tell you the next one exactly. The next one is called polyglot. What's the polyglot? A person who understands the multiple languages, that's called polyglot. Understand? So what is polyglot? जो भी एक बहुत multiple language को समझ सकता है, उसको कहते हैं polyglot. Understand? Now I'm thinking for you the next one that's called, right? Who is called a scholar of language? Scholar of language यानि language का ज्ञाता किसे कहा जाता है? जो बहुत अच्छी खासा अध्ययन किया जा जाता है, किसी language को उसको कहते हैं है, phonetarian. क्या कहते हैं?

उसको क्या कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग का जो डर होता है उसको कहते हैं राइट right? बोलने से ही डर डर रहे आपको स्पीकिंग राइट right? तो उसको कहेंगे आप लोग ग्लोसोफोबिया वॉट दैट ग्लोसोफोबिया इज कॉल्ड द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग यानी पब्लिक स्पीकिंग से डर क्लियर नेक्स्ट वन इज आफ टैट कॉल यू नो द फियर ऑफ इंग्लिश अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो ये वीडियो पूरा आपने तो देख लिया तो थैंक यू सो मच इसके लिए तो उसको लिए आपको कहेंगे वो होता है एंग्लोफोबिया क्या होता है एंग्लोफोबिया क्योंकि फोबिया का मतलब होता है फियर एंड एंग्लो एंगल सेट जो एंगल कहा जाता है जहाँ से स्टार्ट हुई थी इंग्लिश उन लोगों को कहा जाता था इसलिए क्या है एंग्लोफोबिया मतलब इंग्लिश से डर अगर आपको लगता है तो बोलते हैं एंग्लोफोबिया क्लियर अगर आपके लंबे शब्दों से डर लगता है तो उसको क्या कहेंगे उसको कहेंगे हिपोपोटोमोन्स्ट्रोसिस कीपिडलीफोबिया हिपोपोटोमोन्स्ट्राइसिस कीपिडलीफोबिया इसका मतलब होता है फियर ऑफ लॉन्गेट्रोस सो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा आई होप दैट इज बॉल इन्फॉर्मेटिव फॉर यू आपके लिए इफॉर्मेटिव था अगर आप वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें जितेंगे स्टूडेंट इस को इसी तरह से वीडियोस के लिए थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दि थैंक यू जय जय भारत